everyone, welcome back to Static Pattern. I hope you all are doing good today. So today I'm gonna share some makeup tips to keep your makeup fresh during summers without wasting much time. Let's begin the video. तो हमारा पहला टिप है प्रेप योर स्किन प्रॉपरली। अगर आप चाहते हैं आपका मेकअप समर्स में फ्रेश दिखे, ग्लोई दिखे और आपकी जो स्किन है वो स्मूथ दिखे, देन मेक श्योर आपने अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप किया हो, बिकॉज हमारी स्किन पे समर्स में ऑयल, बैक्टीरिया, डेड सेल्स बहुत ज़्यादा हमारी स्किन के सर्फेस पर स्टैकअप होते रहते हैं, बहुत जल्दी स्टैकअप होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर एक टेक्स्चर आ जाता है। तो जब हम मेकअप करते हैं तो थ्रू आउट द मेकअप वो टेक्स्चर हमारी स्किन पर दिखता रहता है, जिसकी वजह से हमारा जो फेस है वो बहुत ज़्यादा डल सा और मेकअप हमारा काफ़ी पैची पैची सा दिखता है। जो एक स्मूथनेस आती है मेकअप में वो नहीं आती है। तो मेक श्योर करें कि आप जब भी मेकअप करें अपनी स्किन को एक अच्छा सा क्लीनअप दें और अपनी स्किन को अच्छा सा स्मूथ दिखाने के लिए अगर आपकी स्किन को नीड है तो एक्सफोलिएट भी कर लें, जिससे आपका मेकअप बहुत ज़्यादा स्मूथ सा और फ्रेश सा दिखेगा। आफ्टर एक्सफोलिएटिंग एंड क्लीनअप अपनी स्किन को अच्छे से टोनर से हाइड्रेट करें, टोनर यूज़ करें अच्छा सा। तो टोनर से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो जाती है, अच्छी रहती है और हमारी स्किन के पीएच को भी बैलेंस करता है। उसके साथ ही साथ हमारे स्किन पर जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है उसको भी श्रिंक करता है, क्योंकि एक्सफोलिएशन के टाइम पे हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और जब हम टोनर यूज़ करते हैं तो हमारी जो पोर्स है उनको श्रिंक कर देता है। तो मेक श्योर आप एक अच्छा सा और हाइड्रेटिंग टोनर यूज़ करें। सो आफ्टर टोनिंग योर स्किन आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। सर्दियों में हम अच्छे अच्छे से मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं हमारी स्किन को ग्लोई दिखाने के लिए, लेकिन जब समर्स में मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है। तो आप मेक श्योर करें कि आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जो स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारी स्किन को नॉन ग्रीसी और नॉन ऑयली दिखाते हैं और हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा फ्रेश भी रखते हैं, क्योंकि वो इतने लाइट वेट होते हैं हमारी। तो मेकअप के टाइम पे लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत अच्छा एक स्टेप है, क्योंकि ऑयल नहीं आएगा आपकी स्किन पर तो आपका मेकअप भी खराब नहीं होगा। यूज़ मैटिफाइंग प्राइमर्स। मैटिफाइंग प्राइमर्स सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स होते हैं जो स्किन पे बहुत ज़्यादा लाइट लगते हैं और स्किन को पूरी तरीके से मैट कर देते हैं, ऑयल नहीं आने देते हैं हमारे फेस पर और जो पोर्स होते हैं उनको भी बहुत अच्छे से फिल कर देते हैं, एकदम श्रिंक सा कर देते हैं पोर्स को। बहुत अच्छा एकदम फ्लॉलेस सा मेकअप होता है मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ करने से। तो मेक श्योर समर्स में मेकअप करने से आप एक अच्छा सा और मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ करें, जिससे आपका पूरा जो फेस है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस, स्मूथ और आपकी जो स्किन है, आपका जो मेकअप उसके बाद आएगा वो बहुत अच्छा सा ग्लोई सा और स्मूथ सा मेकअप दिखेगा। तो आप ट्राई करें कि आप एक अच्छा सा मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ करें। फिक्स योर मेकअप विद मैट सेटिंग स्प्रे। मैट सेटिंग स्प्रेज आर सो गुड टू कीप योर मेकअप इंटैक्ट ऑल डे लॉन्ग इवन इन नाइट। मैट सेटिंग स्प्रेज आपकी स्किन पर ऑयल नहीं आने देता, आपकी स्किन पे स्वेट आने से रोकता है, प्लस आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, स्वेट नहीं आएगा तो आपका मेकअप वैसे ही अच्छा दिखेगा। प्लस आपकी जो प्रॉब्लम होती है कि स्वेट आता है समर्स में और हम बार बार हाथ लगाते रहते हैं अपने स्किन पर और जो हमारा मेकअप है वो स्मज हो जाता है तो ऑब्वियसली गंदा दिखेगा, कहीं पे मेकअप दिख रहा है कहीं पे नहीं दिख रहा है, वो अजीब सा स्मजी सा मेकअप हो जाता है। तो मेक श्योर करें कि आप जब भी समर्स में मेकअप करें एक अच्छा सेटिंग स्प्रे यूज़ करना ना भूलें, जिससे आपका जो मेकअप है वो पूरे दिन इंटैक्ट रहे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप नेक्स्ट टाइम जब भी मेकअप करें तो ये टिप्स ट्राई ज़रूर करें ताकि आपका मेकअप फ्रेश और अच्छा और स्मूथ दिखे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय फॉर नाउ।